ब्रिज घाट में कोविड 19 के संबंध में की गई वार्ता। जी हां, खबर है यूपी के हापुड़ जिले के तीर्थ नगरी ब्रिज घाट पर कुछ सम्मानित व्यक्ति द्वारा वार्ता की गई, जिसमें समाज सेवी ओम बीर सिंह द्वारा कोविड 19 पर उनसे वार्ता की गई। देखिए गढ़मुक्तेश्वर से मोनू शर्मा की यह रिपोर्ट। रूप से नहीं चल रहा है, जिसमें की क्या क्या दिक्कत आ रही है? जैसे की बाजार में कभी 15 दिन में आते हैं, कभी हफ्ते में आते हैं, जबकि आज की स्थिति यह है ब्रिज घाट की, माहौल इतना इस तरह का है कि बहुत ही जो बॉडी आ रही है उस हिसाब से हमारे ब्रिज घाट में रोज सैनिटाइजेशन होना चाहिए। हाँ, और बाहर से अस्थि विसर्जन के लिए लोग आ रहे हैं उन पर भी रोक लगनी चाहिए। जी जी। और दूसरा जो हमारा कार्य है साफ सफाई की व्यवस्था के ऊपर लेकर, तो साफ सफाई को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? इस समय साफ सफाई की व्यवस्था बहुत अच्छी है, तो इसमें नगर पालिका कितना सहयोग कर रही है? शासन प्रशासन में इसमें कुछ आपको बदलाव दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा है? साफ सफाई अपनी तरीके से बहुत बढ़िया चल रही है, लेकिन यही है कि मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पर जो जितनी जिस तरीके से कोविड 19 की बॉडी ज्यादातर आ रही है वो नहीं आनी चाहिए, उन पर रोक लगाई। इस पर प्रशासन थोड़ा ध्यान, यानी कि जिस जगह का मामला है उस जगह पर यानी दाह संस्कार कराया गया। दूसरी समस्या जो है आपके यहाँ पर धारा 188 जो लागू करिए शासन द्वारा, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? धारा 188 का पूरा तरीके से पालन हो रहा है जी। जो घर के लोग हैं वो घर में रह रहे हैं जी। जो बाहर से लोग आ रहे हैं सिर्फ वही लोग दिखाई देते हैं या बाकी लोग नहीं दिखाई देते हैं? दुकानें भी यहाँ की ज्यादातर बंद है जी जी। और जो सब कोविड से संबंधित जो सभी यहाँ आते हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मेरी उनसे हाथ जोड़कर यही निवेदन है कि वो सोच समझकर घर से बाहर निकलें। ऐसी स्थिति में माहौल यहाँ का हमारे नागरिक जो हैं ब्रिज घाट के, उन्हें बहुत परेशानी हो रही है, ज़्यादा लोग ना आए, और कोशिश ये करें कि है ना इसको थोड़ा सा अपने पास ही अस्थि का मामला बनाए और यहाँ के माहौल को सुचारू रूप से जैसे चल रहा था उसे जो सब संबंधित जो यहाँ पर जो दिक्कतें हैं जो कि बाहर से कोविड की बॉडियाँ आ रही हैं जी जी, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? कोविड की बॉडी नहीं आनी चाहिए यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर बस्ती रहती है, बस्ती से दूर होकर ये कार्य होना चाहिए, दूर होना चाहिए जी। बहुत बढ़िया। तो आप देख सकते हैं इस समय हम तीर्थ नगरी पे ओम बीर जी जो समाज सेवी हैं उनसे वार्ता करी है, और जो कि हमें काफी अच्छा लगा है। इसी के साथ हम विराम देते हैं। जय हिंद।